नाजरीन ये है ई सी एच डी ए टीन इंजीनियर कोपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और ये ब्लाक के है ये जो पकटंडी जो मस्जिद अलबैरूनी रोड से शुरू हुई वो मैंने आपको दिखाई और ये असल में मेन चीज़ दिखाना ये है कि हमारी जो नई मैनेजमेंट आई है इन्होंने काम करने शुरू कर दिए हैं और ये दरमियाना रास्ता है जो कि मस्जिद से निकल में मस्जिद से निकल कर के ब्लाक से होता हुआ ए ब्लाक में आता है तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि दरमिया रास्ता पहले नहीं था और इसको पक्का भी कर दिया और लोगों की सहूलियत के लिए ये पकडंडी बना दी गई और इसका लिंक ब्लॉक ए तक जाते हैं वो सारा हम आपको दिखाएंगे तो ये कहने का मकसद ये है कि इसी तरह अगर डेवलपमेंट के काम होते रहे तो ये लोगों के लिए बहुत बड़े फ़ायदे की बात है ये अभी हम के ब्लॉक में ही है। हैं और ये इससे वैल्यू बढ़ती है प्लाटों की वैल्यू बढ़ती है बंदों की वैल्यू बढ़ती है सिस्टम का शेयर रेट बढ़ता है तो ये पगडंडी यहाँ तक आती है तो ये भी हम के ब्लॉक में ही हैं तो ये इसका लिंक आगे भी जाता है तो जितना काम हुआ है वो आपको बता दिया कि माशाल्लाह ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैनेजमेंट वर्किंग करके जो है ना ये काम डेवलपमेंट के काम शुरू कर दिए ये कॉलोनी के लिए बहुत बड़े फ़ायदे वाली बात है नाजरीन इस गली में माशाल्लाह यहाँ तक आइए और इस गली में घास भी कटा हुआ है और पौधे भी दरख्त भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं ये आवाम के लिए बहुत बड़ी है कि मेहनती और अच्छे लोग जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने अपनी वर्किंग शुरू कर दी है तो ये इससे अगला लिंक ये दूसरा लिंक है ये भी हम आपको आज बताते हैं इस पर भी काम हो रहा है तो ये पकडंडी आगे जा के लगती है तो ये घर के साथ साथ जगह छोड़ी है पता नहीं आप पक डंडी के लिए जगह छोड़ी है या क्यों छोड़ी है लेकिन लगता है इसमें भी कुछ न कुछ काम ज़रूर होगा तो नाजरीन ये है इंजीनियर्स कोपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यहाँ बड़ी मेहनत से काम हो रहा है बड़ी वर्किंग हो रही है और जहाँ जहाँ लाइटें नहीं हैं वहाँ लाइटें लगानी चाहिए और शराजी रोज़ खूस बहुत उखड़ा हुआ है वहाँ पे तो नाजरीन ये आगे को अभी ये वर्किंग चल रही है अभी हम के ब्लॉक में हैं तो ये आगे भी मंसूबा कुछ जो नया शुरू किया है वो भी आज हम आपको दिखाते हैं कि ये आगे ये कुछ हिस्सा है ये है ये भी जेर तमीर है यहाँ भी गालबन वर्क होगा तो अभी हम के ब्लाक में हैं इंजीनियर्स कोपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी डी तो ये जेर तमीर है यानी मैनेजमेंट कुछ ना कुछ वर्किंग पे लगी हुई है और इन शिज़ल्ट निकालेगी अब ये तो पकडंडी जो है ये जगह भी छोड़ दी है इधर इन्होंने और ये भी है यह पता नहीं इस दोनों का क्या मतलब है लेकिन ये है कि जिस पर मैं चल रहा हूँ गालबन इसके नीचे गटर लाइन है ना जो नहर के पानी की लाइन का लिंक है गालबन इसके नीचे वो है और साथ जो जगह छुट्टी हुई है वो पकडंडी के लिए तो ये यहाँ तो बहुत चौड़ी जगह मिल गई तो यह नाजरीन आपके लिए ये सीन है अब हम शराजी रोड पर आ गए हैं तो ये वो जगह है जो कि हम आपको पहचान के लिए बता रहे हैं कि वर्किंग शुरू कर दी है तो ये नीचे गटर लाइन कह लो या इसकी लाइन नहर की लाइन है इधर से नहर आ रही है तो मुझे लगता है ये गटर लाइन है नहर की लाइन नहीं है बहरल इधर से पानी इसमें शामिल होगा अल्लाह हाफिज़